हेलो दोस्तों, आई एम रवि तोमर, यू वॉचिंग ऑटो ऑफ इंडिया। तो भाई सामने हमारे आज गाड़ी खड़ी है TVS की रोनिन। अब ये हाल ही में लॉन्च हुई है, हम इसके बारे में डिटेल में आपको बात करेंगे बताएंगे और आपको एक्सपीरियंस भी बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस है बाइक लेने के बाद में। तो अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जितना भी एक्सपीरियंस है ओनर का वो भी हम लास्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम गाड़ी के स्पेक्स बताते हैं आपको और गाड़ी के बारे में दिखाते हैं किस तरह से रहने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट से। तो इस तरह से आपको हेडलैम्प मिल जाएगी इसकी, यहाँ पर LED और ये मिल जाता है इस तरह से। तो ये जलने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। ये आपको डे टाइम रनिंग है और ये वाले हेडलैम्प रहने वाले हैं इस तरह से। टी का सिंबल आप TVS भी एज ए रिजनेबल कर सकते हो। और टायर साइज़ की बात करें अगर फ्रंट का, तो फ्रंट का ट्यूबलेस टायर आने वाले हैं नॉर्मल डुअल ABS चैनल के साथ में। और इसके प्रोफाइल की बात करें तो 1011070 का है। और पीछे की बात करें तो पीछे वाला की प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे 130/76 17 इंच का टायर प्रोफाइल मिलने वाले। दोनों ही में डिस्क ब्रेक आएगी, डुअल चैनल ABS के साथ में ये मिलने वाली है। वही इंजन की बात करें, इंजन इसमें मिल जाता है 225 cc का, जो कि 20 PS की पावर 19 Nm का टॉर्क का जनरेट करता है, 19.94 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। TVS इसका यहाँ पे हॉर्स मिल जाएगा, TVS नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे इसका हॉर्स मिल जाएगा आपको। रोनिन की बैच मिल जाएगी यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे मतलब कलर्स काफ़ी फंकी दिए हैं इसमें और अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। TVS की बैच आपको यहाँ पे मिलेगी, ब्रेकिंग मिल जाएगी, ये गार्ड मिल जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, एयर कूल्ड नहीं मिलता है। तो ऑयल कूल्ड का थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि ये हीट कम होते हैं। और वहीं पे ये इसकी बात करें तो ये आपको मेटल में मिलने वाला है, प्लास्टिक नहीं रहेगा, तो और से और भी ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है। यहाँ पर ये भी थोड़ा कवर किए हुए हैं साइड से कुछ इस तरह से। नंबर प्लेट की प्लेसिंग यहाँ पे मिल जाती है, ये आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर छोटे मिलते हैं बट प्लेसिंग काफ़ी सही लगती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपको है इसका टेकोमीटर, वो साइड पे रहने वाला है कुछ इस तरह से। जनरली कैसा होता है सेंटर पे होता है, बट यहाँ पे इसका साइड पे दिया है, बहुत अजीब लग रहा है। इसमें आपको सब कुछ डिजिटल है तो सब कुछ आपको इसमें मिल जाने वाला है, टाइम, गियर और ये सब, किलोमीटर्स एंड स्पीड सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये यहाँ पर इंजन के चेकिंग वगैरह सिस्टम मिल जाते हैं। इग्निशन यहाँ पे रहेगा और इस यहाँ पे ये कंट्रोल्स रहेंगे और यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल्स रहेंगे। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, तो डायरेक्टली आपको वहाँ से शो करेगा। ये टैंक मिल जाता है आपको और कलर्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं इसमें। तो ये ब्लू कलर है इसमें और साइलेंसर मिल जाता है इस तरह से, जो कि काफ़ी फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है। पीछे भी आपको यहाँ पर कूल्ड आपको लिक्विड मिल जाता है पीछे की ब्रेक के लिए। और पीछे की टायर की थिकनेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, तो जिसके ग्रिप भी काफ़ी अच्छी बनती है। और टायर जो हैं वो हैं TVS के ही टायर हैं। और ये आपको पीछे की बैक की बात करें तो कंप्लीट इस तरह से बैक रहने वाला है। यहाँ पे TVS की बैजिंग मिल जाएगी, नंबर प्लेट, और इस तरह से आपको टेल लाइट मिल जाएगी, जो कि LED में पूरा जो लाइट सेटअप है जो कम्प्लीट इस गाड़ी में आपको LED मिलने वाला है। टर्न इंडिकेटर मिल जाता है यहाँ पर भी और ये ग्रेब हैंडल पीछे के लिए मिल जाता है। यहाँ सब कुछ रहने वाला है रोनिन TVS रोनिन का। नीचे आपको डुअल स्टैंड मिल जाता है, प्लस साइड में एक साइड स्टैंड भी मिलता है। और यहाँ पे सिंगल गियर मिलेगा, मतलब नॉर्मली 5 गियर के साथ में ये गाड़ी आती है और सिंगल साइड से ही आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से कंप्लीट ये रहने वाली है TVS रोनिन। हालांकि लुक्स काफ़ी सही लग रहे हैं और बहुत सही इसकी डिज़ाइन है। अभी आपको साउंड की बात करें, साउंड सुनाता हूँ आपको। इस तरह का साउंड है, तो काफ़ी सही फील होता है, मतलब बहुत अच्छा साउंड है। और अभी मैं आपको, जनरली क्या होता है स्पोर्ट बाइक में आपको जो चैन है ओपन दिया जाता है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया है। ये देखिए फेब्रिक ये गार्ड लगा के दिया गया है, जिसकी वजह से आपका कुछ भी इसमें फंसना या बहुत कम हो जाता है। ये मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है पीछे में, जिससे राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सीट आपको मिल जाती है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसको आप ओपन भी कर सकते हो। ओपन करने के लिए इसके अंदर आई थिंक स्पेस है या नहीं बताता हूँ, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ये की रहने वाली है, इसकी की थोड़ी थोड़ी टेस्ला की तरह दिखने वाली है, टी वैसी इन्होंने डिजाइन की है। इग्निशन, तो इस तरह से आपको कंप्लीट गाड़ी मिल जाती है।
अभी हम बात करते हैं इनके ओनर से और उनसे प्राइस पूछते हैं उनको कितने में पड़ी। वैसे इसकी जो एक शोरूम जो प्राइस है वो लगभग 149 है, 1.5 लाख रुपये एक शोरूम है। ऑन रोड की बात करें लगभग 180 या 185 तक आपको मिलती होगी, बट एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, जो इसके ओनर से अभी बात करते हैं तब आपको बताते हैं इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है ऑन रोड बड़ोदरा गुजरात में। हमारे साथ में इस गाड़ी का ओनर भी हैं तो उनसे हम बात करते हैं, बात पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कितने में फाइनली ये बड़ोदरा में ऑन रोड प्राइस पड़ी है। तो सर कितने में पड़ी है फाइनली ये? सर ये मेरे को गिरी ऑन रोड RTO टैक्स और VMC टैक्स के साथ, हाँ इंश्योरेंस के साथ 184,000। ओके, तो एक्सपीरियंस कैसा है इसका अभी तक? गाड़ी इज़ वेरी कम्फर्टेबल और बेटर देन रॉयल एनफील्ड मेटर। इफ़ यू गोइंग टू बाई रॉयल एनफील्ड मेटर में परचेज करो, आप ये एक बार टेस्ट करके देखिए, एक बार आप उसको चला के देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि गाड़ी कैसी फील करेगी। भले ही वो 225 का CC का इंजन हो, फिर भी कंफर्टेबल के बारे में ये नंबर 1 TS रोनी है। अगर आप रॉयल एनफील्ड मेट्रो लेना चाहते हैं तो आप 2,54,000 आप दे रहे, इसकी वजह से आपका पैसे बचे। जो तो ये अगर CC का ज़्यादा महत्व नहीं है, आपको कंफर्टेबल चाहिए और राइड में के लिए अच्छी तरीके चाहिए, पकड़ अच्छी चाहिए और स्टैंड मोड में चाहिए, तो मैं सोचो यू गो फॉर द TVS रोनेट इज़ द बेस्ट कार। इसमें दो मोड है, अर्बन मोड और रेन मोड। अगर बहुत बारिश होती है और बारिश में आपकी गाड़ी ऐसे लगती है कि आप स्टिकी में रोड पे चला रहे हो, स्लिप होने के चांस भी, यू पुट द रेन मोड, अब गाड़ी आपकी पकड़ में आ जाएगी और चलाने में बहुत अच्छी लगती है। ओके, और कितने टाइम हो गया अभी आपको? सर मैंने अभी तो आठ दस दिन हुए हैं। ओके, और गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है, वो डिज़ाइन लुक है और अच्छी है, सीट भी अच्छी है उसकी, और ये इसके पीछे के बोरो टायर भी, इसके ऊपर भी अपर मॉडल आते हैं। हाँ, इसमें अपर मॉडल में क्या आपको दोनों चैनल ABS मिलता है, स्लीपर क्लच मिलता है और ब्लूटूथ मिलता है। लेकिन इस सिटी के माहौल में मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी उसके, रिकॉर्ड की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सिंगल चैनल ABS और दोनों आगे पीछे डिस्क ब्रेक लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच सर जी आपका वैल्यूबल इनपुट देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गाड़ी बहुत अच्छी है और चलाने में आपको एकदम, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक का। और एवरेज के मामले में आपको 35-40 की एवरेज मिलेगी। 35-40 एवरेज के मामले में ये 35-40 एवरेज देगी 225 के। ओके, और कंफर्टेबल ये चलाने में बहुत आपको अच्छा लगेगा, और आप जैसे ड्राइव फील करो, जैसे आपको या किसी को बैक पेन का जरूरत है या किसी को लेग्स की जरूरत है कि लेग पेन बहुत हो रहा है, हैवी है, नहीं, ये इससे आप आराम से चला सकते हो। 60 इयर्स के या 70 इयर्स के ओल्ड एज भी ये आदमी भी ये चला सकते, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मतलब अभी तक ये बाइक ऐसी है कि जिसकी हाइट 6 फीट हो या 5 फीट हो, कोई भी हो, आराम से इसका पैर आराम से कंफर्टेबली चला सकता है, चला सकते हैं और आराम से वो ड्राइव कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और तो इस तरह से आपको कंप्लीट TVS की रोनेट मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर का इस गाड़ी के साथ में, तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए, जय हिंद।